यूपी के मंत्री पहली बार संघर्ष की राह पर उतरे थे। 13 दिनों तक कारखाने में के अंदर कब्जा करके मजदूर बैठे हुए थे। उसके बाद फिर पूरे सितंबर के महीने में मजदूरों की लड़ाई चलती रही। 33 दिन तक कारखाने में तालाबंदी रही। फिर उसके बाद 7 सितंबर से फिर मजदूरों की लड़ाई शुरू हुई, जो कि 10 सितंबर से लेकर 21 सितंबर तक चली, अक्टूबर तक। इस पूरे दौर में गुड़गांव के मजदूरों के साथ में, मारुती के मजदूरों के पक्ष में वहां पर अभियान चलाने में, पूरे गुड़गांव में जाकर हजारों हजार पर्चे बांटने में, बुजुर्ग उनके समर्थन में जो साथी लगे रहे, उसमें से एक साथी आनंद को मैं यहाँ पर बुला रहा हूँ कि वो यहाँ पर आकर एक मजदूर के तौर पर और एक मजदूर कार्यकर्ता के तौर पर उनका क्या अनुभव है और उनकी क्या समझ है, वो अपनी बात यहाँ पर रखेंगे। डॉक्टर आनंद सभी साथियों को हरा क्रांतिकारी अभिवादन। दोस्तों, पिछले साल में जब मारुति सुजुकी का आंदोलन शुरू हुआ था, तब विभिन्न मंत्री दस्ता की टीम लगातार वहाँ पे सक्रिय रही, उन लोगों से बातचीत करने के लिए लगातार वहाँ पे गुड़गामा के साथी, सोनापुर बादली के साथी लगातार जाते रहे। और उन्होंने हम लोग यही बता रहे थे, इस पूरे आंदोलन को एक व्यापक आंदोलन बनाइए, खाली एक फैक्ट्री में बैठ के ये आंदोलन आगे नहीं बढ़ सकता। मगर वो लोग जरा ये सोच रहे थे शायद ये छोटे मोटे लोग क्या हमारी मदद करेंगे, बड़ी बड़ी ट्रेड यूनियन के चक्कर पड़े थे, सीटों वेटों गिनते तमाम बात ट्रेड यूनियन है जिनका आज रवैया सभी लोग जानते ही है। मुख्य तो उनका काम ही है कि खाली दलाली करो और मजदूरों के हक अधिकार के साथ समझौता करो। उसके बाद वही हम लोग लगातार ये बात कह रहे थे, इस पूरे आंदोलन के व्यापक आंदोलन बनाइए जिससे कि पूरे मानेसर के, पूरे गुड़गामा के लोग, मजदूर साथी आपके साथ हैं। क्योंकि दोस्तों, यूनियन बनाने की मांग कोई नाजायज मांग नहीं है और कोई गैर कानूनी मांग भी नहीं है। यूनियन बनाने की मांग हर मजदूर की अपनी मांग होती है। यूनियन के माध्यम से हर मजदूर अपने हक अधिकार की बात लड़के कर सकता है। वही मांग वो लोग कर रहे थे जिसकी हड़ताल इन्होंने शुरुआत की थी अप्रैल महीने से। फिर लगातार 4 महीने तक हड़ताल इन लोगों की चली, मगर असली जो उनका दिक्कत ये थी कि वो लोग उस पूरे आंदोलन को व्यापक आंदोलन तक नहीं ले गए। पहले फैक्ट्री गेट के अंदर जाम करके बैठे रहे, फिर दूसरी बार फैक्ट्री गेट के अंदर, फैक्ट्री गेट के बाहर जाम करके बैठे रहे और फिर तीसरी बार फैक्ट्री गेट के बाहर ही चले गए। कुल मिला के जो बात हम लोग कह रहे थे कि जब तक एक व्यापक आंदोलन नहीं बनाएंगे तो आंदोलन सफल होने वाला नहीं है। आखिरकार हम लोग यही कहते रहे, बहुत ज्यादा शक्ति थी तो बिस्कुटों के पैकेट में भर भर के हम लोग अपनी बात को पहुंचाए, उन लोगों के खाने में भर भर के हम लोग अपनी बात को पहुंचाए, मगर वो लोग अभी ये मानने को तैयार नहीं है तो ये लोग शायद हमारे इस आंदोलन को आगे तक ले जा सकेंगे या हमारा नेतृत्व संभाल सकेंगे। कुल मिला के जो भी हो, हम लोग मदद करने के लिए गए थे मगर वो लोग सीटों बड़ी बड़ी यूनियनों के चक्कर में पड़े रहे और जिससे कि कुछ नहीं हुआ। और आखिरकार आज भी वही हुआ जो हम लोग पहले से ही करीबन उस दौर में 8 पर्चे मारुति सुजुकी निकाले गए थे। मजदूरों का अपना अखबार है बिगुल अखबार, उस दौर में करीबन 3 अंक में लगातार मारुति सुजुकी की समस्याएं, समाधान और पूरे निष्कर्ष के बारे में लगातार निकलता रहा, मगर वो बात मेरे कान तक नहीं पहुंची। और आज समस्या वही जो हम लोग आज से 1 साल पहले लगातार बता रहे थे, ये आंदोलन जब तक दिख रहा रहेगा तब तक के मजदूर साथी एकजुट नहीं होंगे। आज पूरे देश में या पूरी दुनिया में कहीं भी जब तक मजदूर साथी अपना संगठन नहीं बनाएंगे, जब तक एकजुटता नहीं होगी उनकी, तब तक कोई भी पैगंबर या कोई भी साथी उनकी मदद नहीं कर सकते। हम लोग लगातार यही बात को बता रहे हैं। हमने गुरुवार एक दो फैक्ट्रियों का लोन लिया, वहाँ काम किए। सबसे पहले हम गुड़गामा में ही गए, उसके बाद इधर दिल्ली आए थे, फिर उसके बाद एक बार गुड़गामा काम करने गए। वहाँ से फैक्ट्री को लगाता है जो पूरे दमन का तरीका है, उसका तो अगर नाम मिलना चाहिए तो किस किस तरीके से वहाँ मजदूरों से काम कराया जाता है।